हेलो एंड नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है गाइस। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे इस खूबसूरत से प्लांट के बारे में। इसका नाम है पेपरोमिया कैपरेटा। इसे हम एमरल्ड रिपर पेपरोमिया या फिर रेडिएटर प्लांट भी कहते हैं। ये ज़्यादातर ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाता है। यह एक एवरग्रीन पेरिनियल प्लांट है गाइस। ये 12 महीने ही रहता है, लेकिन इसका बेस्ट ग्रोइंग सीजन है स्प्रिंग एंड समर। आप लोग देख ही सकते हैं कि कितना ज़्यादा प्यारा सा प्लांट है ये। इसके ऊपर का जो हिस्सा है वो दूसरे कलर का है और इसके नीचे वाला हिस्सा अलग रंग का। इनके प्लांट को इनडायरेक्ट सनलाइट बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इनको इंडोर भी ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजीली ग्रो हो जाते हैं। ये आर्टिफिशियल लाइट में भी सर्वाइव कर जाते हैं। अभी विंटर है गाइस, तो विंटर की धूप बहुत ही ज़्यादा माइल्ड रहती है, हल्की फुल्की सी। इसीलिए मैंने इनको बाहर निकाला है थोड़ा धूप सेकवाने के लिए। विंटर में इनकी एक्स्ट्रा केयर करनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनका ग्रोइंग सीजन तो समर एंड स्प्रिंग होता है। सो ये थोड़ी सी डॉर्मेंसी में चले जाते हैं और आपको अभी इनको प्रोपगेट नहीं करना है। जब इसका सीज़न आएगा तभी आप इनकी प्रोपगेशन करें। इनके सॉइल को मॉइस्चर बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो सॉइल में मॉइस्चर मेंटेन करना इम्पॉर्टेंट है इनके लिए। इनके रूट्स को एयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, इसीलिए आप लूज़ सॉइल का इस्तेमाल करें। जो चिकनी मिट्टी होती है उसका प्रयोग ना करें इस प्लांट के लिए। मैं आपको प्रिफर करना चाहूँगी जो पत्तों की खाद होता है आप उसका इस्तेमाल करें। और आप देख सकते हैं कि मेरी जो मिट्टी है वो कितनी ज़्यादा भुरभुरी सी है। ये देखिए, एक भी चिकनी मिट्टी का मैंने उपयोग नहीं किया है। सो ये जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील के जंगलों में पाया जाने वाला प्लांट है, इसीलिए इनको ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा पसंद है। सो आप ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने के लिए मिस्टिंग कर सकते हैं। ये देखिए, ये एक और पेपरोमिया का प्लांट है। दोनों की वैरायटी भी सेम है गाइस, और साइंटिफिक नेम भी दोनों का सेम है, बस डिफरेंस है तो इनके पत्तों में है। इनके पत्ते हार्ट शेप्ड के हैं, ये देखिए। इसको तो पूरा जो पत्तों की खाद है उसी में लगाया है मैंने। जब इनको ख़रीदा था तो ऐसे ही मुझे मिले थे। ये जो छोटा छोटा पत्ता वाला है उसकी मैंने रिपोर्टिंग करी है, लेकिन इसको अभी जो हार्ट शेप्ड वाला है इसकी मैंने रिपोर्टिंग नहीं करी है। अगर आपको इनके पत्ते येलो दिखते हैं या फिर मतलब कि रूट्स के सामने गिरे हुए दिखते हैं, तो आप समझ जाइए कि आप प्लांट की ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। और अगर आपकी जो प्लांट की पत्ती है वो एकदम से सिकुड़ गई है, तो आप समझ लीजिए कि आपने अंडर वाटरिंग करी है, मतलब कि पानी एकदम से कम दिया है। ये सब जो टिप्स है गाइस आप अपने प्लांट के लिए इस्तेमाल करें, तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपका प्लांट ग्रो हो जाएगा। ये देखिए, इसकी पत्ती एक टूट गई थी लाते लाते। यहाँ पर देखिए गाइस, दो ब्रांचेस है, इनको मैं रिपोर्टिंग करते समय प्रोपगेट ज़रूर करूँगी, लेकिन अभी इनका सीज़न नहीं है तो थोड़ा सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही हम प्रोपगेट करेंगे। सो गाइज़, बहुत सारे लोग यह समझते हैं कि जो पेपरोमिया के प्लांट है दूसरे वाले वैरायटी की तरह ये भी पत्तों से प्रोपगेट हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है गाइज़। ये बिल्कुल एक गलत थॉट है। इनकी जो प्रोपगेशन है आप ओनली स्टेम कटिंग्स के थ्रू कर सकते हैं, आप इनको लीव्स कटिंग के थ्रू प्रोपगेट नहीं कर सकते हैं दूसरे पेपरोमिया प्लांट की तरह। आप चाहें तो आप इनको पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। सो बहुत दिनों बाद मैंने कोई सीनरी प्लांट ख़रीदा है गाइस, क्योंकि बहुत दिनों से बस मैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उन्हें ही मैं ख़रीद ख़रीद कर ला रही थी। आप दोनों की लीव्स में एकदम डिफरेंस देख सकते हैं। इसके लीव्स एकदम छोटे छोटे से और नोकीले टाइप के हैं, लेकिन ये बगल वाले की जो लीव्स है उसके एकदम हार्ट शेप्ड है।
ये वाला प्लांट भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है और इनकी जो नई लीव्स है वो एकदम नीचे से अंदर से ग्रो होकर आती है। सो दोनों ही प्लांट मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे और इन दोनों का अलग अलग प्राइस था, एक का था 60 रुपीज़ और एक का था 70 रुपीज़। ये देखिए इस तरह से यहाँ से नई लीव्स आती है इनकी। सो बस ऐसा नहीं है कि आप नर्सरी या फिर मार्केट में जाके कोई भी प्लांट खरीद कर लाएंगे और घर पे ऐसे ही छोड़ देंगे तो ग्रो हो जाएगा, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनको बहुत सारा फर्टिलाइज़र से लेके उनके सॉइल का ध्यान रखना पड़ता है, वाटरिंग से लेकर सनलाइट हर चीज़ का आपने ध्यान रखना है, उसके बाद ही आपका जो प्लांट है वो अच्छे से ग्रो होगा। सो आज के लिए इतना ही गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आप सभी लोगों को ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार और सपोर्ट देते रहिए। मिलती हूँ आप सभी लोगों को एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए गाइज बाय बाय गाइज, टेक केयर एंड स्टे सेफ, लव यू ऑल।